السلام अल्लामकुम वेलकम टू होम मेड होम मेड में मैं बनाने लगी हूँ चिकन कोरमा बहुत ही सिंपल और ईज़ी और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है इसमें हम कोई भी बाजार का मसाला ऐड नहीं करेंगे सब मसाले घर के यूज़ होंगे इसके लिए जो हमें चाहिए मैंने सेवन फिफ्टी ग्राम चिकन लिया है तीन पाव के करीब और दो बड़ी प्याज़ हैं उनको मैंने काट के गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है बाकी स्पाइसेस है, रेड चिली पाउडर है वन टेबल स्पून नमक है नमक रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर का पाउडर ये तीनों चीज़ें वन टेबल स्पून है जबकि ज़ीरा वन टीस्पून है और ये दस से बारह लौंगे हैं छः बड़ी छोटी इलायची एक बड़ी इलायची है और बादियान का फूल जो स्टार होते हैं दो वो हैं और एक कप योगर्ट है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और फ्रेश हल्दी जो थी मैंने इन तीनों चीज़ों को लेके पीस के रख लिया इसलिए उसका कलर येलो है अब पहले मैं इन मसालों को पीसूंगी प्याज जो ब्राउन करके गोल्डन ब्राउन करके हमने निकाली है उसको हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे और ये सारे मसाले भी गरम मसाला जो साबुत है ये भी सारा पीस के हम उसमें ऐड करेंगे कोई भी साबुत गरम मसाला उसमें ऐड नहीं करेंगे और साथ थोड़ा सा योगा डालेंगे और फिर इसको ड कर लेंगे सारा योगर्ट मत डालिएगा क्योंकि फिर उसमें जो लॉन्ग लॉन्ग और बाकी चीज़ें हैं वो मैच नहीं होती वो बीच में साबुत पीसीज उसके रह जाते हैं इसलिए थोड़ा सा ऐड करके फिर उसको पीसीएगा बाद में योगर्ट और ऐड कर लीजिएगा इसी प्याज में मैंने इसी ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी और अभी इसी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं डाल के फ्राई करूँगी अभी इसमें पानी शामिल है इसलिए अभी ये एक एक जैसा है अभी जब इसमें से पानी ख़त्म हो जाएगा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये अलग अलग पीसीस में हो जाएगा ये देखें ये थोड़ा सा फ्राई हुआ है तो बिल्कुल वो उसने छोड़ दिया घी अलग हो गया अब इसमें चिकन डालें और इसको चिकन को तो पाँच से दस मिनट आपने खाली फ्राई करना है इसमें इसका ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए इसमें भी कोई पानी ऐड नहीं होता सिंपल बस वो योगर्ट वाला जो मसाला वो डालेंगे फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे बस देखिए यहाँ पे चिकन फ्राई हो गया ये मैंने मसाला जो पीसा है ये वो है ये सारा मसाला इसमें ऐड कर दें फ्राई की हुई प्याज थी लौंग थी काली मिर्च मैंने ऐड नहीं की बादियान का फूल था इलायची थी छोटी बड़ी अब इसको फ्राई करें आप चिकन इसी जो मसाला है इसी में चिकन गल जाएगा अब इसमें ये जो स्पाइसेस हैं ये डाल दें नमक मिर्च और धनिया पाउडर इसको अब आपने फ्राई करता करते रहना ढक के पकाना नहीं है ये देखें ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए चिकन को तो ऑलमोस्ट गल ही जाता है दस से पंद्रह मिनट में तो दस पंद्रह मिनट इसको ड्राई होने में भी लग जाते हैं यहाँ पे ये ड्राई हो रहा पानी इसका सारा मसाला देखिए ये भुन गया अच्छी तरह मसाला भुन गया इसी मसाले में चिकन भी गल गया इसकी ये निशानी हो गई अगर इसको उठाया जाए ना तो इसके मसाले में से बबल्स बनते हैं देखें ये बबल्स बनने का मकसद यही है कि ये मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया अब अब इसमें मैंने एक कप एक गिलास एक कप जितना बस पानी ऐड किया इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर वो ज़्यादा शोरबा बन जाता है तो हमने थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखना है कौरमा स्टाइल बाज़ार के मसालों में तो सारे साबुत गरम मसाले होते हैं लेकिन वो ना ही आप ऐड करें तो अच्छा है ये मैंने जायफल जबथ्री छोटी इलायची और बादियान का फूल और साबुत गरम मसाला जो नॉर्मल घर में यूज़ होता है वो वन टीस्पून और वन टीस्पून जायफल जयफल छोटी इलायची और बादियान का फूल ये पीस के तो वन वन टी दोनों के ऐड किए इसमें वन टी स्पून गर्म मसाला और वन टी दूसरा जायफल जवाथ्री वाला पाउडर बस ये रेडी है इसको दो मिनट ढक के रख दें और फिर आप डिश आउट कर लें बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है चिकन कौरमे की अगर इस ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करें इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे